hello students welcome to textbooks exercises solution series so in the previous episode we finished the question one of exercise 1.2 here in this episode we are going to start from question two onwards so let's start the lecture सो क्वेश्चन टू बोलता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ़ द फॉलोइंग मीन्स हमें डेरिवेटिव इसका नहीं फाइंड करना, करना है इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है सो अगर सपोज कीजिए y इक्वल्स टू हमारा क्या है एफ एक्स है y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा x इनवर्स y अब हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ ठीक है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ़ इनवर्स ऑफ दिस हमें फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा मेरा डी एक्स अपॉन डी वाई ओके डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन विल बी माय डी एक्स अपॉन डी वाई सो मीन्स मुझे इसमें क्या फाइंड करना है डी एक्स अपॉन डी वाई फाइन करना है और मेरे पास क्या गिवन है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज टू एक्स है तो मैं पहले क्या फाइंड कर लेती हूँ डी वाई बाय डी एक्स फाइन कर लेती हूँ सो डी वाई बाय डी एक्स फाइन कैसे करेंगे यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी कैसे लगाऊंगी प्रोडक्ट रूल यू डरीवेटिव ऑफ डायरीवेटिव ऑफ v x के रिस्पेक्ट में ही कर रही हूँ यहाँ मैं डिफ्रेंशिएशन और v डायरीवेटिव ऑफ u ओके okay? u डायरीवेटिव ऑफ v प्लस v डायरीवेटिव ऑफ u ये u और ये v लिया है सो so ये क्या हो जाएगा मेरे पास e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x होता है और एक्स स्क्वायर का यहाँ पर टू एक्स हो गया ठीक है तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा माई डी वाई बाई डी एक्स विल बी इफ आई टेक ई रेस टू पावर एक्स कॉमन तो एक्स स्क्र प्लस टू एक्स ये हो गया मेरा डेरिवेटिव ओके सो मुझे क्या फाइंड करना है डी एक्स बाय डी वाई फाइन करना है विच विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस दिस सो ये मेरा क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया इनवर्स ऑफ दिस इसके इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया मेरा सो so, इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है अगर वाई इजिकल्स टू एफ एक्स है f f y. और मुझे फाइंड क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन विच इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई आई नीड टू फाइंड दिस तो मेरे पास वाई क्या है एक्स कॉस एक्स है सो so, मैं पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेती हूँ कैसे निकालूंगी इसका एक्स डेरीवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डेरीवेटिव ऑफ एक्स सो so, ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स हो गया क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वन तो ये मेरा डेरिवेटिव हो गया सो so, मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट आई नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स दैट इज माई डी एक्स बाई डी वाई मुझे क्या फाइंड करना है डी एक्स बाई डी वाई विच इज़ इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सो दिस इज माई आंसर सो देखते हैं क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं जस्ट फॉर्मेलिटी जो हम लोगों ने पहले क्रेशन में लिखा था वाई कल्स टू एफ एक्स सो एक्स इज इकल्स टू एफ इन वाई सो मुझे क्या निकालना है डेरिवेटिव ऑफ ठीक है डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स विच इज इक्वल्स टू हाउ मच विच इज डी एक्स अपॉन डी वाई मतलब मुझे ये फाइंड करना है वाई अब मैं ले लेती हूँ ये है सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास बोलिए एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेवन एक्स प्लस सेवन एक्स डेरीवेटिव ऑफ एक्स ठीक है यू वी मेथड लगा दिया अब ये क्या हो जाएगा मेरा x डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर x क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर x इज़ ओके डेरिवेटिव ऑफ़ ए रेज टू पावर x इज़ ए रेज टू पावर ए एक्स लॉग ए ये होता है हमारा फॉर्मूला तो क्या लगा देंगे सेवन रेज टू पावर x लॉग सेवन प्लस सेवन रेज टू पावर x और वो डेरिवेटिव ऑफ x इज वन सो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा सेवन रेज टू पावर एक्स मैं कॉमन ले ले सकती हूँ एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स कॉमन ले लिया ये आ गया मेरा बट मुझे क्या फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन सो डी एक्स बाई डी एक्स लॉग सेवन प्लस सो देखिए इसमें भी हम क्या कर सकते हैं देन एक्स इज इक्ल्स टू एफ इनवर्स वाई एंड हमें क्या निकालना है डेरीवेटिव ऑफ एफ इन्वर्स विच इज डी एक्स अपॉन डी वाई मीन्स मुझे ये फाइन करना है सो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायेयर लॉग एक्स सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसमें तो कुछ प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगाना डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का टू एक्स और लॉग एक्स का वन बाई एक्स देन डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा ठीक है पहले इसको हम थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं दिस विल बी टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स एल्सियम लेके करेंगे ये हो गया मेरा अब मुझे क्या निकालना है डी एक्स अपॉन डी वाई तो वो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा सो so, हमारे पास ही क्वेश्चन है वाई इजिकल्स टू एक्स लॉग एक्स मीन्स वाई इजिकल्स टू एफ एक्स तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा एफ इन्वर्स वाई सो मुझे क्या निकालना है डेरीवेटिव ऑफ एफ इनवर्स विच इज डी एक्स अपॉन डी वाई ठीक है सो so, अब क्या हो जाएगा बोलो वाई इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स है मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई करना है पहले डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं क्या होगा एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स यहाँ पर यू वी रूल लगेगा लॉग एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स सो एक्स वन बाय एक्स हो गया प्लस लॉग एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो हमें पता है वन होता है से कैंसिल वन प्लस लॉग एक्स डी वाई बाय डीएक्स ओके सो हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स इसका सो so, देखते हैं क्वेश्चन थ्री सो क्वेश्चन थ्री में भी वही चीज बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस Uh, लेकिन साथ में इसमें बोला है एंड फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम तो पहले हम उतना काम कर लेते हैं इन्वर्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं ठीक है कैसे निकालेंगे वाई इक्वल्स टू एफ एक्स सो एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई सो डेरिवेटिव ऑफ स फंक्शन क्या आ जाएगा मेरा डी एक्स अपॉन डी वाई तो पहले मैं डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लेती हूँ मेरे पास वाई क्या है ये है ठीक है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बहुत सिंपल है फाइव एक्स रेज टू फोर ये क्या हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर राइट और ये थ्री तो ये मेरा क्या निकल गया डी वाई बाई डी एक्स तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या निकल गया मेरा वन अपॉन फाइव एक्स रेज टू फोर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बट मुझे क्या फाइंड करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इजिकल्स टू वन पे मीन्स आई नीड टू फाइंड डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स इजिकल्स टू वन सो मैं क्या करूँगी सिर्फ़ x की जगह पे वन सब कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा बोलिए क्योंकि वन का पावर फोर इज वन वन का स्क्वायर इज़ वन

डेरीवेटिव ऑफ एफ इनवर्स विच इज डी एक्स अपॉन डी वाई तो पहले डी एक्स अपॉन डी वाई फाइन कर लेते हैं सो वाई इज इक्ल्स टू ई रेज टू पावर एक्स तेज ओके सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू विल बी ई रेज टू पावर एक्स प्लस थ्री ये हमारे पास आ गया ई रेज टू पावर एक्स प्लस थ्री सो डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारा एट एक्स इजिकल्स टू जीरो कितना हो जाएगा ई रेज टू पावर ज़ीरो प्लस थ्री विच इक्वल्स टू वन प्लस थ्री और फोर सो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इजिकल्स टू जीरो क्या हो गया फोर सो डी एक्स बाई डी वाई हमारा एट एक्स इजिकल्स टू ज़ीरो कितना हो जाएगा वन अपॉन फोर सो so, पहले मैंने डायरीवेटिव उसका कैलकुलेट किया एट एक्स इजिकल्स टू जीरो ओके तो उसके बाद डीएक्स बाई डी वाई एट एक्स इजिकल्स टू जीरो दैट विल बी वन अपॉन फोर सो हमारे पास क्या क्वेश्चन है वाई इजिकल्स टू एफ एक्स सो एक्स इजिकल्स टू एफ इनवर्स वाई हमें क्या करना है डायरीवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन विच इज डी एक्स अपॉन डी वाई तो पहले मैं क्या करूँगी वाई कैलकुलेट कर वाई जो है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में सिक्स एक्स ओके सिक्स एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स लेकिन चेन रूल से इसका डेरिवेटिव वापस से करेंगे तो टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स स्क्वायर हो गया ओके okay, सो so इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारा थ्री एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स हो गया और टू लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है तो वन अपॉन एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर चेन रूल से सो so क्या कैंसिल हो सकता है हमारा यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ये सिक्स अपॉन एक्स हो गया ठीक है सिक्स अपॉन एक्स हो गया सो so, मैं डी वाई बाई डी एक्स किसने पे एट एक्स इजिकल्स टू वन पे कैलकुलेट कर लेती हूँ विच इज सिक्स इन टू वन प्लस सिक्स अपॉन वन सो सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व तो ये मेरा डेरिवेटिव कितना आ गया ट्वेल्व तो वन तो मुझे क्या निकालना है डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इजिकल्स टू वन विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन सो देखते हैं क्वेश्चन y equals to f x so x is equals to f इनवर्स y so derivative of f इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे पास डी एक्स अपॉन डी वाई और मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई ट इज इक्ल्स टू टू जो पॉइंट इंडिकेट है उसके अक्रॉस फाइंड करना सो वाई इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर सो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस टू चेन से एक्स माइनस टू का हम करेंगे तो वन ही आएगा तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस टू एक्स का वन होगा और ये टू एक्स हो जाएगा सो so, मैं डेरिवेटिव जो है इसका एक्स इजिकल्स टू टू पे फाइन करती हूँ तो so, क्या हो जाएगा टू माइनस टू प्लस टू इंटू टू ओके okay, सो so क्या हो जाएगा डेरिवेटिव एट एक्स इजिकल्स टू एट एक्स इजिकल्स टू जी टू पे ठीक है एट एक्स इजिकल्स टू टू पे क्या हो जाएगा बताइए मेरा डेरिवेटिव कॉस ज़ीरो प्लस फोर वॉट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ज़ीरो वन प्लस फोर ओके सो डेरीवेटिव एट एक्स इजिकल्स टू टू मेरा क्या आ गया फाइव सो डी वाई एट एक्सिकल्स टू टू विल बी वन अपॉन फाइव देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर एफ एक्स हमें क्या गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू हमें क्या निकालना है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन अभी तक हम यही कैलकुलेट कर रहे थे डेरिस का मीनिंग हो गया डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन एट एक्सिकल्स टू जीरो तो जो हमने जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वही करना है हमें एफ एक्स हमें ये गिवन है सो एफ डेक्स एक्स क्या हो जाएगा मेरा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन सो एफ डैश ज़ीरो मेरा क्या हो जाएगा बोलिए एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा बिकॉज एक्सजिकल्स टू जीरो पे फाइन करना है तो वो क्या हो गया मेरा एफ डैश जीरो क्या हो गया मेरा वन मुझे क्या निकालना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एट ज़ीरो ओके सो वो भी मेरा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल सो वन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा मेरा वन माय आंसर विल बी दिस आप इसको दूसरे उसमें कर सकते हैं दैट ये ही आपका क्या आया इसका मीनिंग क्या हुआ दिस इज योर डी ए वाई बाई डी एक्स एट एक्स फिजिकल्स टू जीरो विच इज योर वन ओके तो ये क्या है इसको हम क्या लिख सकते हैं दूसरे वर्ड्स में एक्स अपॉन डी वाई है मेरा एट एक्स फिजिकल्स टू जीरो तो वन का रेसिप्रोकल वन ही होता है ओके okay? सो so ये मेरा क्या है एफ इनवर्स डैश ओके सो दैट इज कॉल्ड तो यही हो जाएगा मेरा आंसर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। यूजिंग डेरिवेटिव हमें ये प्रूव करना है सो so, हम कंसिडर कर लेते हैं लेट मेरे पास क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड करती हूँ डेक्स एक्स अगर फाइंड करूँ तो इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है और इसका डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर सो डेक्स एक्स मेरा क्या आ गया ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा ये सो डेक्स एक्स ज़ीरो दैट मीन्स एफ एक्स जो है हमारा इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन एफ एक्स क्या है मेरा कॉन्सटेंट फंक्शन है क्योंकि किसी का अगर डेरिवेटिव जीरो है दैट मीन्स वो फंक्शन हमारा कैसा है कांस्टेंट है तो अगर मैं f1 वन कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स पाए टेन इनवर्स वन प्लस कॉट इनवर्स वन तो टेन इनवर्स वन क्या होता है पाई बाय फोर पाई बाय फोर दिस इज़ पाई बाय टू सो एफ़ वन जो है वो पाई बाय टू एफ़ वन जो है पाई बाय टू है एंड एफ़ एक्स हमारा कांस्टेंट फंक्शन है सो ये वैल्यू जो होगी फॉर ऑल एक्स होगी देअर फोर मैं क्या कह सकती हूँ एफ़ एक्स मेरा क्या हो गया पाई बाय टू हो गया इसलिए मैं कह सकती हूँ देयर फोर आई कैन से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजिकल्स टू π बाय टू ओके सो मैंने पहले क्या प्रूफ कर दिया कि वो कांस्टेंट फंक्शन है अगर वो कांस्टेंट फंक्शन है तो अगर उसकी वैल्यू जो वन पे होगी दैट लाइज फॉर ऑल एक्स सो इसलिए मेरा f(x) क्या आ गया π बाय टू और f(x) मैंने क्या कंसीडर किया था टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो वो मैंने क्या प्रूफ कर दिया π बाय टू के इक्वल सो यूजिंग डेरिवेटिव मुझे प्रूफ करना है सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसिकन x एक्स इजिकल्स टू पाई बाई टू तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ इसको एफ एक्स ले लेती हूँ ठीक है अच्छा जी एफ एक्स ले लिया अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफडेक्स एक्स सेकेंड वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन द रूट एक्स अडर रूट एक्स स्क्वाइनस वन प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वाइनस वन अपॉन तो मेरा एफ डेक्स एक्स क्या हो गया जीरो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया हमारा इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन जैसा कि हमने उसमें किया था ठीक है तो मैं अब जरा एफ वन निकाल लेती हूँ एफ वन क्या होगा सेकंड इनवर्स वन प्लस कोसक इनवर्स वन सो वॉट इज माई सेकंड इनवर्स वन सेकेंड इनवर्स वन इज जीरो एंड कोसिक इनवर्स वन इज फाइव बाई टू सो एफ वन मेरा क्या हो गया पाए बाय टू और एफ एक्स एक मेरा कांस्टेंट फंक्शन है तो मैं क्या कह सकती हूँ एफ़ एक्स इज इज पाए बाय टू दैट इज़ फॉर ऑल एक्स ठीक है दिस पाए बाय टू इज़ फॉर ऑल एक्स सो मैं क्या कह सकती हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू